नमस्कार, मेरा नाम निशा झा और मैं 8 सालों से योग कर रही हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है, योगा फॉर बैक पेन। तो बैक पेन हमें क्यों होता है, कमर में दर्द किस तरीके से बढ़ता है, पहले तो उसका कारण जानेंगे। कारण ये है कि हम काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, या हम ट्रेवल करते हैं, या फिर हम झुककर काम करते हैं, इस वजह से हमारे कमर में दर्द रहता है। तो उसी के लिए मैं आपके लिए कुछ योगासन लेकर आई हूँ, जिसे आप कंटिन्यू करेंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बॉडी को थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले सम अवस्था में खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, यानी कि अपनी गर्दन श्वास को भरते हुए राइट साइड आपको लेकर जाना है, श्वास को छोड़ते हुए सामने सेंटर में लेकर आना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। इनहेल राइट साइड, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल सेंटर, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। देन अपनी चिन्ह को गर्दन से लगाकर रखते हुए डाउन करेंगे और श्वास को भरते हुए अपने धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेके जाए, 5 सेकंड होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे धीरे डाउन, इनहेल, डाउन, एक्सहेल, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। सेंटर में आएंगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और इस तरीके से अंगूठा अंदर, 4 उंगलियों से मुट्ठी को बंद करते हुए अपने हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, अच्छे से घुमाएं पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से पीछे की ओर से लेकर आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से हाथों को वापस लेके आए, रिलैक्स करें। धीरे से पैरों में थोड़ा गैप देंगे शोल्डर के बराबर, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्रिया करेंगे हम भुजबली शक्ति विकासक क्रिया। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को साइड से ले जाते हुए इस तरीके से फिंगर्स को टिप करते हुए अपने शोल्डर पर रखेंगे और दोनों हाथों को, दोनों हाथ की कोहनियों को मिलाते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज पीछे की ओर लेके जाएंगे। धीरे धीरे लेके जाए, आपका शोल्डर ओपन होगा। धीरे धीरे इनहेल करते हुए सांसों को भरते हुए पीछे की ओर लेके जाए, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक, पीछे से आगे की ओर लेकर आए कोहनियों को मिलाते हुए।
धीरे 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 से वापस आएंगे। हाथों को नीचे लेकर आए और रिलैक्स करें। नेक्स्ट करेंगे अर्ध चक्र आसन। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को शोल्डर के बराबर गैप देंगे। जो आपका हैंड है, हैंड के अंगूठे को अपने कमर लोअर बैक पे इस तरीके से रखते हुए श्वासों को भरते हुए धीरे धीरे आपको पीछे जाना है। आंखें खुली रहेंगी और आसमान की ओर देखते हुए होल्ड करना है। इस तरीके से अपने नी को फोल्ड नहीं करेंगे, नी बिल्कुल स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट एंड आपको धीरे धीरे बैंड होना है। होल्ड करेंगे यहीं पे 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएंगे। अगेन इसका एक बार और करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को भरें। धीरे से पीछे जाएंगे। जितना आप शोल्डर को ओपन करते हुए पीछे जाएंगे उतने अच्छे तरीके से आपका अर्ध चक्र आसन होगा और आपको बैक पेन में रिलीज होगा। धीरे धीरे श्वासों को भरे, यहीं पे होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन रिलैक्स। धीरे से हाथों को नीचे लेकर आ जाए। आंखें बंद, रिलैक्स करते हुए चलिए धीरे से हाथों के सहारे अपने दोनों पैरों को दंडासन, अपने दोनों हाथों को दोनों कमर के अगल बगल रखते हुए, अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधे रखते हुए दंडासन में आएंगे और अपने मेरुदंड बिल्कुल सीधे रखते हुए इस तरीके से थोड़ी देर सामने देखते हुए होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कमर के पीछे ले जाते हुए गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद और रिलैक्स करेंगे दंडासन का प्रभाव को महसूस करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। एक बार और करेंगे दंडासन। हाथों को बिल्कुल कमर के अगल बगल रखते हुए, अपने स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए सामने देखेंगे। इसी अवस्था में कुछ देर बने रहेंगे। धीरे से वापस आएंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं और गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद, धीरे धीरे रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे। चलिए धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पोजीशन में लेकर आएंगे। हाथ पे हाथ रखते हुए मकर आसन में लेटेंगे थोड़ी देर। अपने सर को अपने दोनों हाथ के ऊपर रखते हुए 5 सेकेंड रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा गैप दे दें और इसी पोजीशन में रिलैक्स करें। श्वास प्रश्वास करते रहें।
जो भी आसन किया है अभी तक उसको एक बार महसूस कर जाएं। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपने पैरों को मिला लें अच्छे से। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लेकर आए इस तरीके से। धीरे से श्वास को भरते हुए अपनी गर्दन को उठाना है। धीरे धीरे अपने शोल्डर को आएंगे भुजंगासन में। धीरे से अपने चेस्ट को, अपने शोल्डर को धीरे से उठाते हुए अपने बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। किसी भी प्रकार का उस पर खिंचाव ना दें और ऊपर की ओर देखते हुए 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then relax, slowly come back. धीरे धीरे वापस आएंगे फिर से मकर आसन में। रिलैक्स करेंगे। 10 सेकंड का 3 राउंड करना। धीरे से फिर एक बार और करेंगे इसी अभ्यास को। धीरे से श्वास भरते हुए इन्हेल, अच्छे से स्ट्रेच करें अपने नेवल्स को उठाते हुए। धीरे धीरे आंखें बंद, रिलैक्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, then relax. धीरे से वापस आएंगे धीरे से मकर आसन में। रिलैक्स करेंगे 10 सेकंड। धीरे धीरे वापस आते हुए करवट लेंगे। धीरे से करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करते हुए रिलैक्स करें। पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दें। धीरे से वापस आएंगे। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए करेंगे सेतु बंध आसन। दोनों हाथों से इस तरीके से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और अपनी पूरी बॉडी को, शोल्डर को उठाते हुए अपने हिप को अच्छे से ऊपर की ओर उठाते हुए स्ट्रेच करेंगे। कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए किसी भी प्रकार का दबाव ना दें अपने कमर पे। धीरे धीरे श्वासों को भरें, अच्छे से अपनी बॉडी को उठाएं और इसी अवस्था में थोड़ी देर बने रहें। धीरे से वापस आएंगे। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। अच्छे से अपनी बॉडी को खींचें, होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर दें।
आंखें बंद, श्वास प्रश्वास करते रहें। धीरे धीरे वापस आएंगे। यहीं से पवन मुक्तासन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सबसे पहले राइट लेग को फोल्ड करते हुए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ग्रिप बनाते हुए अपने लेग को अच्छे से दबा के इस पोजीशन में होल्ड करना है आपको। 10 सेकंड होल्ड करते हुए धीरे धीरे आपको अपने नेक को, अपनी गर्दन को उठाते हुए इस तरीके से अपने चिन को अपनी नी से लगाएंगे और होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हेड को नीचे रखते हुए अपने पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दूसरे लेग से करेंगे। पैरों को अच्छे से फोल्ड करें, अच्छे से ग्रिप बनाते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को उठाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे रिलैक्स करें, पैर को बिल्कुल सीधा कर दें, आंखें बंद, धीरे से दोनों पैरों को मिला लें। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए अपने दोनों हाथों को ग्रिप अच्छे से बनाते हुए पवन मुक्तासन करते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों गर्दन को उठाएंगे और इसी अवस्था में बने रहेंगे। धीरे धीरे वापस आए, पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, आंखें बंद। थोड़ी देर आप सब आसन में रिलैक्स करें। हाथ की हथेलियों को आसमान की ओर रखें, अपने दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखें, आंखें बिल्कुल बंद। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास करते रहें। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें। अपने नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दें, सकारात्मक विचारों को अपने मन में लेकर आएं। जो भी अभी तक आपने अभ्यास किया उसका आपके शरीर पर जैसा भी प्रभाव पड़ा है उसको एक बार फील कर जाएं, महसूस कर जाएं। अपने पूरे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करें। अपने मन को सभी प्रकार के विचारों से दूर करें। Relax your body, relax your mind. धीरे धीरे आप अपने फिंगर्स को, लेग के फिंगर्स को हिलाएं और अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए फिंगर्स को क्लॉक इंटरलॉक करते हुए अच्छे से स्ट्रेच करें। धीरे धीरे वापस आएंगे करवट लेते हुए और अपने हाथों का सहारा लेकर
उठकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद ही रखेंगे, किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। To watch full video and more deep practice of yoga, download Yogpath app now.